दोस्तों, कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। इसको दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच को रोकने के हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि बांग्लादेश में हमारे लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ है और हमारी बहन बेटियों की अभूतपूर्व दुर्गति की गई है। आज तक भी यह हत्या और बलात्कार रुका नहीं है। इस भयंकर नरसंहार का दुनिया के किसी भी मुसलमान, विशेषकर बांग्लादेश के मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस नरसंहार में दुनिया के प्रत्येक मुसलमान की सहमति है। आज भारत में बांग्लादेश के मुसलमानों को बुलाकर उनके साथ क्रिकेट के मैच खेले जा रहे हैं, जो संदिग्ध करता है कि वर्तमान भारत सरकार में हिंदुओं के किसी भी नरसंहार का कोई दुख नहीं है और उनके लिए हिंदुओं की कीमत कुछ भी नहीं है। हम भारत के हिंदू ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के इतने बड़े नरसंहार के बाद उनके कातिलों के साथ क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं, वो कल हमारे कत्ल के बाद भी जश्न मनाएंगे। हम साधारण हिंदू यहाँ यह समझते हैं कि बांग्लादेश के हिंदू भी हमारा अपना ही परिवार है और जो आज उनके साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ होगा। आप यह समझ लीजिए कि हम किसी भी कीमत पर दिल्ली में ऐसा कोई क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे। अगर हम यह मैच नहीं रुकवा पाए तो अपने गुरु महामंडेश्वर यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज के साथ हरिद्वार में मां गंगा के तट पर सामूहिक अग्नि समाधि लेके लेंगे, ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं को यह पता चल जाए कि भारत के कुछ हिंदू वास्तव में उनके परिवार हैं। आपसे अभी भी आशा है कि आप यह मैच रुकवा कर हमारी पीड़ा को कुछ कम करेंगे। देवादि देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, आज हमारे साथ हमारे गुरु भाई राम स्वरूपानंद गिरी जी महाराज, निर्गानंद गिरी जी महाराज, गोविंद त्यागी जी और अरुण त्यागी जी। आज हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आए हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और उन्हें चेतावनी दी है हमने कि आने वाली 9 अक्टूबर को जो दिल्ली में बांग्लादेश के साथ जो मैच हो रहा है वो ड्रॉप कर दिया जाए। हमने अंदर जाएंगे और वो जो लेटर था वो हमने रिसीव कराया है और लेटर में क्या लिखा है ये महाराज जी आपको पढ़कर बताएंगे। सेवा में श्रीमान अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, विषय 9 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि अभी बांग्लादेश में हमारे लाखों हिंदू भाइयों का कत्ल हुआ और हमारी बहन बेटियों की अभूतपूर्व दुर्गति की गई। आज तक भी यह हत्याएं और बलात्कार रुका नहीं है। इस भयंकर नरसंहार का दुनिया के किसी भी मुसलमान, विशेषकर बांग्लादेश के मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस नरसंहार में दुनिया के प्रत्येक मुसलमान की सहमति है। आज भारत में बांग्लादेश के मुसलमानों को बुलाकर उनके साथ क्रिकेट के मैच खेले जा रहे हैं, जो यह सिद्ध करता है कि वर्तमान भारत सरकार को हिंदुओं के किसी भी नरसंहार का कोई दुख नहीं है और उनके लिए हिंदुओं की कीमत कुछ भी नहीं है। हम भारत के हिंदू ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के इतने बड़े नरसंहार के बाद उनके कातिलों के साथ क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं वो कल हमारे कत्ल के बाद भी जश्न मनाएंगे। पर हम साधारण हिंदू यह समझते हैं कि बांग्लादेश के हिंदू भी हमारा अपना ही परिवार है और जो आज उनके साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ भी होगा। आप यह समझ लीजिए कि हम किसी भी कीमत पर दिल्ली में ऐसा कोई क्रिकेट मैच होने नहीं देंगे। अगर हम यह मैच रुकवा नहीं पाए तो अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के साथ हरिद्वार माँ गंगा के तट पर सामूहिक अग्नि समाधि ले लेंगे।
ताकि बांग्लादेश के हिंदुओं को यह पता चल जाए कि भारत के कुछ हिंदू वास्तव में उनका परिवार है। आपसे अभी भी आशा है कि आप यह मैच रुकवा कर हमारी पीड़ा को कुछ कम करेंगे। लेटर 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 दे भाई साहब, क्या रहा है? तो रिसीव हो गया, अंदर दे दिया, ठीक है। अब आपको बहुत टाइम हो गया यहाँ खड़े हुए, ये जगह प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, आप अंडरस्टैंड कीजिए। ये एचएम और साहब हम प्रोटेस्ट करने आए नहीं है। आप जिस जगह खड़े हैं, आपको खड़ा होना था, जंतर मंतर चलिए, हम वहाँ खड़ा कर देंगे आपको। सर हम प्रोटेस्ट करने आए नहीं है। आप यहाँ खड़ा होना 5 से ज्यादा लोगों के लिए नहीं है। हम बहुत टाइम हो गया आपको देखते हुए, आप प्लीज अब यहाँ से जाइए। आप ऐसे ही नहीं खड़े हो जाते, हर जगह थोड़ी जाके खड़े हो जाए। आप हर जगह थोड़ी जाके खड़े हो जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पे। बहुत टाइम हो गया हमें आपको देखते हुए, कृपया करके आप अपनी गाड़ी में बैठिए। मार्केट नागरो रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज। आपको बहुत टाइम हो गया है, हम अपने बहन भाइयों को रोने आए हैं प्रोटेस्ट। आप यहाँ पे ये जगह नहीं है, आप वहाँ चलिए, जंतर मंतर चलिए, हाँ वहाँ चलते हैं, ठीक है। वो जगह है, ये जगह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये एचएम साहब का घर है, ये जगह इकट्ठे नहीं हो सकते महाराज, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। आप समझिए, ऐसे दिमाग को खाली करके नहीं आते। अभी आप कह रहे थे अभी बंदा लगा कह रहा, नहीं कोई बंदा नहीं, दे दिया इनको, ये लेके चले गए, आपने रिसीव कर दिया, आपको साइन कर दिया, फोटो कर दिया। यहाँ पे आप खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चाहिए नंबर दे दो, हम आपको रिसीव करके दे दिया। अब क्या चाहिए आपको भाई? तानाशाही आप ही है, अपने भाई हम अपने गृह मंत्री के बाबा से आपको एक आदमी को जाना है, तो आप सारे गाड़ी में खड़े मत रहिए।